आया कि हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम करें, बट मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी एजेंसी यहाँ पे आती है, और क्योंकि झारखंड शेखुंडा रिफैक्ट्री इंडिया में फेमस, इंडिया का वर्ल्ड वाइड कैंपस फेमस है ये क्लस्टर, तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम करना चाहती है। तो हमारा मेन जो एम था इनसे यही था ग्रीन ट्री से कि अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारे एम्बेसी की यूनिट से लाभ क्या होगा, क्योंकि हर किसी के पास समय बहुत लिमिटेड है। आज आप लोग ने टाइम दिया, हम लोग आए रांची से आए या कहीं को भी किसी दूसरे काम को, इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के आया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ग्रीन ट्री की तरफ से या रिनो आप एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से कि हमारे एमएसएमई यूनिट्स को इसमें आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए, कुछ इनको अवसर मिले जिनसे ये अपने प्रोडक्शन को या एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड ये उनका लाभ उठा सके। मैं दीपक कुमार और हमारे सहयोगी सुजीत कुमार, हम लोग एमएसएमई ब्रांच ऑफिस धनबाद, हमारा मटकोलिया में एक ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से है, और हम लोग जितने भी संस्थान वगैरह में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट है, और इसके एमएसएमई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से। हमारी आज आप लोग से मुलाकात हो रही है और मैं इस चीज़ को बहुत सौभाग्य समझ रहा हूँ कि इस बीच में हम आप अपने स्कीम्स को हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाए, आपकी जो भी समस्या है इस बीच में आप हमसे अपनी समस्या भी शेयर कर सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको उसका सॉल्यूशन दें। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बारे में आप लोग को सभी को पता होगा क्योंकि आपका मैक्सिमम लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और हमारी कुछ स्कीम ऐसी है जो आपको पहले से पता है और कुछ स्कीम्स हमारी डे टू डे अपडेट होती रहती है। जैसे अभी हमारी एक स्कीम जेड, हमारे सहयोगी गौरव जी ने इसके बारे में बताया, और ये जो स्कीम है इसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2020 में लाल किले के द्वारा आह्वान किया गया था। 15 अगस्त 2020 में लाल किले के द्वारा मोदी जी के द्वारा जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट ये जेड का जो स्कीम है इसकी शुरुआत की गई थी, और 26 अप्रैल 2022 हमारे मिनिस्ट्री के तरफ से, नारायण राणे जी के तरफ से इनको लॉन्च किया गया। एक्चुअली ये बहुत पुरानी स्कीम है, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन एमएसएमई इसमें ज़्यादा लाभ नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण इसको फिर से इसमें कुछ अपग्रेडेशन किया गया, जिससे हमारे मैक्सिमम एमएसएमई यूनिट्स को इसका बेनिफिट होगा। मैं आने वाले भविष्य के बारे में बता देना चाहता हूँ, एमएसएमई ये जेड स्कीम, ये जैसे ही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है कॉमन हो गया, आपका एक एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, यही आपकी पहचान है। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप एमएसएमई के अंदर काउंट होती ही है। तो इसी तरह जेड स्कीम भी पूरे दिन में इसको कंपल्सरी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी से रिलेटेड है।